मेडिकल कॉलेज हमीरपुर के भवन के सौंदर्यीकरण के लिए पहल की गई है और पुराने भवन की रिपेयर का काम चल रहा है। इसके साथ ही मेडिकल कॉलेज के भवन की छत की सीलिंग के लिए 1,32,00,000 का प्रपोजल बनाकर सरकार को भेजा गया है और जल्द ही बजट पहुंचने की उम्मीद है ताकि पुराने भवन का जीर्णोद्धार हो सके। मेडिकल कॉलेज हमीरपुर के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर अनिल वर्मा के अनुसार आजकल मेडिकल कॉलेज भवन के रेनोवेशन का काम जोरों पर चला हुआ है और जल्द ही पूरे भवन का काम करवाया जाएगा। मेडिकल कॉलेज हमीरपुर के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर अनिल वर्मा ने बताया कि मेडिकल कॉलेज के भवन में रंग रोगन का काम चल रहा है और बरसात में समस्या आने के चलते भवन में कई जगह से सीलन आ जाती थी, जिसे भी ठीक करवाया जा रहा है। इसके साथ ही भवन की सीलिंग के लिए 1,32,00,000 रुपए का प्रपोजल बनाकर भेजा गया है ताकि इसकी मरम्मत भी करवाई जा सके। उन्होंने बताया कि मेडिकल कॉलेज के भवन की मरम्मत को लेकर प्रशासन पूरी तरह से कार्य में जुटा हुआ है। जैसे अभी आप देखो डिस्टेम्पर हो रहा है, पेंट हो रहा है, हमने पिछले साल 32,00,000 का एस्टिमेट बना के भेजा था, तो काम चल रहा है। उससे पहले यहाँ वायरिंग का काम हुआ, बिजली का रीवायरिंग, क्योंकि काफ़ी पुरानी बिल्डिंग थी। 10,00,000 का जो है हमने एस्टिमेट बढ़ा के भेजा था गवर्नमेंट से, वो आ गया था। तो रीवायरिंग हो चुकी है पुरानी वाली जो बिल्डिंग है इसमें, और डिस्टेम्पर पेंट का काम चल रहा है। उधर अगर आप देखें तो डेंटल और ICTC सेंटर में जो ऊपर हम वो बनाया है, शेड लगवाए हैं, क्योंकि बरसात में बड़ी प्रॉब्लम थी। तो दोनों बिल्डिंगों में, पहले डेंटल की बिल्डिंग का ऊपर पानी, बरसात में पानी आता था, तो हमने शेड लगवाया डेंटल और ICTC वाले सेंटर में। और एक हमारा जो है, क्योंकि ये बिल्डिंग बहुत पुरानी है, जो ऊपर सीलिंग है, इसका 1,32,00,000 का एस्टिमेट बना के गवर्नमेंट को भेजा हुआ है। जैसे ही पैसा आ जाएगा तो वो, क्योंकि जो चौथी मंजिल है उसमें हमको प्रॉब्लम होती है बरसात में, क्योंकि ऊपर PWD बोलती है कि भाई ये पूरी सीलिंग रिप्लेस करनी पड़ेगी, तो करीब 1.5 करोड़ का एस्टिमेट है। वो जैसे ही पैसा आ जाएगा तो वो भी काम PWD को देंगे, PWD जैसे शुरू करेगी तो, क्योंकि वो एक बहुत इम्पोर्टेंट इशू है।